हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष कृषि, ये यानी कि ये जो तीसरा चैप्टर है ज्योग्राफी का, मैं वो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, उन तमाम प्रश्नों को मैं आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके पहले हम लोग भारत संसाधन एवं उसके उपयोग चैप्टर को ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरह से देख चुके हैं और उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव बन रहे थे, उन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को मैं आपके समक्ष रख दिया। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कृषि यानी भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अगर हम लोग देख ले, अनियमित मानसून। यानी भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है अनियमित मानसून। नेक्स्ट है, भारत में बागानी कृषि की शुरुआत कब हुई थी, तो राइट आंसर होगा 1880 ईस्वी में भारत में बागानी कृषि की शुरुआत की गई थी। उसके बाद चलिए मैं एक नोटिस भी आपको दे दूं कि ऑब्जेक्टिव जी ही समाप्त हो जाएगा तो मैं लघु उत्तरीय प्रश्न को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा और आप लोग हमारे चैनल पर जरूर बने रहिएगा। मैट्रिक का रिजल्ट अब निश्चित बेहतर होगा, सोशल साइंस में बेहतर नंबर आएगा। जी ही सोशल ख़त्म हो जाएगा, मैं साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको डालना स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों। तो चलिए देखिए, तीसरा नंबर का सवाल है किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है, राइट आंसर हो जाएगा कहवा। कौन सा राज्य भारत का जूट क्षेत्र कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद इनमें से कौन रेशेदार फसलों का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा जूट। यानी जूट क्या है, रेशेदार फसल का उदाहरण है दोस्तों। दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है, देखिएगा दुग्ध उत्पादन में यदि विश्व में प्रथम स्थान कह दे तो पहले भारत का स्थान द्वितीय था, लेकिन वर्तमान समय में भारत का स्थान प्रथम हो चुका है। अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक होता है, राइट आंसर हो जाएगा चाय। अगला सवाल देखिएगा, 8 नंबर का, ये कह रहा है कि चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है, राइट आंसर हो जाएगा थीन। यानी कि चाय में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है उसका नाम थीन है, जबकि कॉफ़ी में जो है कैफीन पाया जाता है। इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है, तो तमिलनाडु में गेहूं का उत्पादन नहीं होता है। किस राज्य में धान के संचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद 11 नंबर का सवाल देख लीजिएगा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, खरीफ फसल चावल है। यानी बरसात के मौसम में उगने वाली फसल खरीफ फसल। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है, राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। जैम, जेल, स्क्वास इत्यादि का कच्चा माल क्या है, तो राइट आंसर फल, यानी फल से ही जैम, जेल और स्क्वास बनाया जाता है। चलिए उसके बाद 14 नंबर का सवाल हम लोग देख लेते हैं। 14 नंबर का सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, तो राइट आंसर हो जाएगा चना, रबी फसल का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। कौन सा कृषि, और रोपण कृषि दोस्तों। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ है, 16 नंबर का सवाल देखिए। हरित क्रांति का दूसरा चरण यानी 1983-84 ईस्वी में इसका दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है। अब देखिए सरसों किस प्रकार की फसल है, तो सरसों तेलहन फसल है। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करता है, तो न्यूनतम सहायता मूल्य यानी न्यूनतम एक्चुअली समर्थन मूल्य होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो कीमत एवं लागत मूल्य आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पेय फसल है, तो राइट आंसर हो जाएगा कॉफ़ी पेय फसल है। हार्वेस्टर और थ्रेसर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है, राइट आंसर होगा कृषि में। अगला सवाल देखिएगा 21 नंबर का सवाल, इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी है, इसका राइट आंसर होगा ट्रैक्टर। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका का आधार क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि।
उसके बाद देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, राइट आंसर होगा हैदराबाद। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो राइट आंसर होगा जोधपुर। उसके बाद देखिए भारत में, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है, तो राइट आंसर महाराष्ट्र। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो राइट आंसर होगा डेयरी विकास से है। चलिए दोस्तों अब हम लोग एक नया चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग इससे संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा अब हम लोग इसको देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, राइट आंसर होगा बोकारो इस्पात इंडस्ट्री, यानी बोकारो इस्पात उद्योग ये सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये सभी जो है नई औद्योगिक नीति से संबंधित है। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, मैं बताया था इसका सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, यानी बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है दोस्तों, तो बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो सीमेंट उद्योग में होता है, या इसमें देख लीजिएगा ये थोड़ा ऑप्शन हमको गलत लग रहा है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो एल्यूमिनियम उद्योग, यानी कि एल्यूमिनियम का इसका है बॉक्साइट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर क्लियर है। निम्नलिखित में कौन से चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए बिहार में किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना है, राइट आंसर होगा हरनौत। ये हरनौत कहाँ है दोस्तों, नालंदा के अंदर है। भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लौह इस्पात उद्योग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर, यानी स्टील लोहा, टाटा लोहा और इस्पात कंपनी, इसका राइट आंसर होगा। सिंदरी कहाँ है दोस्तों, ये पहला उर्वरक कारखाना है, ये झारखंड में है। चलिए उसके बाद देखिए 10 नंबर में रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है, राइट आंसर होगा 4% है। उसके बाद देखिएगा 11 नंबर, इनमें कौन सा औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है, तो ये कोलकाता मेदिनीपुर हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। उसके बाद देखिए 13 नंबर का सवाल, निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। निम्न में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम उद्योग, अभी भी 1 नंबर में इस सवाल को हम लोगों ने देखा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन उद्योगों की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या, जबकि बाजार, ऊर्जा और पूंजी उद्योग अवस्थिति के महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज के लिए नेपानगर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के अंदर है दोस्तों। उसके बाद 17 नंबर देखिएगा, चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में सबसे आगे है, राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था, तो उर्वरक संयंत्र जो है ये असफल रानीपेट में लगाया गया था, यानी भारत में रानीपेट में लगाया गया था, जो कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है दोस्तों। तिपहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, राइट आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान है। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है, चीनी ये उपभोक्ता उद्योग का उदाहरण है। इनमें कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, इसका राइट आंसर होगा खिलौना उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर का सवाल। 22 नंबर कह रहा है क्या कि इसमें देखिएगा 22 नंबर का, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये सिर्फ प्रतियोगी, ये सिर्फ 9th 10th 10th क्लास के बच्चों के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि ये क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है, भद्रावती कर्नाटक, ये जो है इस्पात संयंत्र जो समुद्र के निकट है। भारत में पहली सूती मिल की स्थापना मुंबई में करने का क्या कारण था, तो इसमें पतन की सुविधा, कपास उत्पादक क्षेत्र का होना, पूंजी की उपलब्धता, ये सभी के सभी आंसर होगा। उसके बाद भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था, राइट आंसर होगा तमिलनाडु के अंदर।
नालको तथा बाल्को कंपनी का संबंध किससे है? तो एल्युमिनियम उद्योग से है। नालको तथा बाल्को कंपनी का संबंध किससे है? एल्युमिनियम उद्योग से है। टाटा की नैनो कार किस राज्य से बनकर आती है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात से बनकर आती है। निम्नलिखित में कौन सा एक फुटलूज उद्योग है? राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को फुटलूज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद बड़े आकार के जलपोतों जहाज़ों का निर्माण कहाँ स्थित है, यानी निर्माण कहाँ पे होता है? राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम के अंदर होता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ पे है? तो बंगलुरु के अंदर है। उसके बाद इनमें से कौन सा शहर चंदन पर आधारित सौंदर्य सामग्री के लिए विख्यात है? इसका राइट आंसर होगा मैसूर, ये कर्नाटक के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग खनिज पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा एल्युमिनियम उद्योग खनिज पर आधारित उद्योग है। और आज का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग 10 से 11 मिनट में 33 सवाल, एक मिनट में 3 सवाल को आप लोगों ने देखा। 33 सवाल को हम लोग सिर्फ जो है एक चैप्टर निर्माण उद्योग से किए। उसके बाद 26 प्रश्न जो है हम लोगों ने कृषि से किया। तो इस प्रकार जो है ये 30 20 50 और 56 और 56 3 59 यानी लगभग 60 प्रश्न को हम लोगों ने कहा 11 से 12 मिनट में कर लिया दोस्तों। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो यूजफुल लगे, लाभदायक लगे, तो आपसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल सके। सिर्फ 9-10 के लिए ही नहीं, बल्कि आप कॉम्पिटिटिव का यदि लाइव क्लास करना चाहते हैं तो 8 बजे प्रतिदिन सुबह जरूर जुड़िएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।